हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 विज्ञान सब्जेक्ट का अध्याय नंबर 4, अम्ल क्षारक और लवण। देखो, अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। क्या इन सब का स्वाद एक समान होता है? आइए हम सारणी 4.1 में सूचीबद्ध किए गए कुछ खाद्य पदार्थों के स्वाद पर ध्यान दें। यदि आपने इनमें से किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा हो तो उसे चखिए और परिणाम को सारणी 4.1 में लिखिए। जैसे नींबू, नींबू क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। संतरा खट्टा होता है। सिरका खट्टा होता है। दही खट्टा होता है। इमली खट्टी होती है। शक्कर मीठी होती है। नमक कैसा होता है? कड़वा होता है। आंवला भी कड़वा होता है। खाने का आंवला देखो, हरा तो खट्टा होगा जबकि बाकी जो कड़वा होगा। देखो, खाने का सोडा कड़वा होगा, नींबू का खट्टा होगा, कच्चा आम खट्टा होगा, खीरा कैसा होगा? ना खट्टा है ना कड़वा होता है। अब देखो, चेतावनी देखो, किसी भी वस्तु को तब तक मत खाइए जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे ना कहा जाए, और किसी भी वस्तु को तब तक स्पर्श ना करें जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे ना कहा जाए। अब देखो, आप देखेंगे कि इनमें से कुछ पदार्थ का स्वाद खट्टा है, कुछ का कड़वा, कुछ मीठा है, कुछ नमकीन है। अब देखो, अम्ल और क्षारक। देखो, दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल मतलब एसिड होते हैं। ऐसे पदार्थ की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एस्पियर से हुई है जिसका अर्थ है क्या? खट्टा। और इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। अब देखो, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा कैसा होता है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा होता है? क्योंकि इनका स्वाद खट्टा नहीं होता, जिसका मतलब है कि इसमें कोई भी अम्ल नहीं है, और इसका स्वाद कड़वा होता है। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों से बीच रगड़ेंगे तो ये साबुन जैसा चिकना लगता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं क्षारक कहलाते हैं, और इनकी प्रकृति पदार्थ की प्रकृति क्षारीय कहलाती है। अब देखो, यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते हैं तो हमें उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जैसे सूचक कहलाते हैं। तो देखो, अम्ल और क्षार का परीक्षण, कोई पदार्थ अम्लीय है, क्षार, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। और सूचकों को जब अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है, और हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़िया क्या है, सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। अब देखो, क्या आप जानते हैं कि अम्ल और किस में पाया जाता है? जैसे एसिटिक अम्ल है वो किस में पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल है वो किस में पाया जाता है? चींटी के डंग में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? नींबू के कुल के सिट्रस फल जैसे नींबू, संतरा। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? पालक में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी, ये सब आंवला, सिट्रस फल, अम्ल में पाया जाता है। अब देखो, टार्टरिक अम्ल है वो किस में पाया जाता है? इमली में, अंगूर में और कच्चे आम में। अब देखो, क्षार और किस में पाया जाता है? जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चूने के पानी के में पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है? खिड़की के कांच साफ करने के लिए जो मार्जक आता है उसके लिए, उसमें ये क्षारक पाया जाता है। अब देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। अब देखो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और दूधिया मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। अब देखो, हमारे आसपास के जो प्राकृतिक सूचक है उसमें सबसे पहला है लिटमस, एक प्राकृतिक सूचक। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है, और इसे लाइकेन सेक से निष्कासित है, और शैवाल और कवक से निष्कासित किया जाता है। सेक आसू जल में इसका रंग माव नील सोन होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो लाल हो जाता है। अम्लीय विलयन में लिटमस पेपर लाल हो जाता है, जबकि क्षारीय विलयन में यह नीला हो जाता है। यदि विलयन के रंग में अथवा कागज़ की पट्टी में के रूप में उपलब्ध होता है, जिन्हें हम लिटमस कहते हैं, तो ये देखो विलयन के रूप में भी होता है और कागज़ की पट्टी के रूप में भी पाया जाता है, जिसे हम लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस के रूप में पाए जाते हैं। तो ये दो रंगों में आते हैं, एक तो नीला और लाल लिटमस। ठीक है, तो नीला लिटमस है वो क्या करता है? अम्ल के विलयन में डालने पर वो लाल हो जाता है, जबकि क्षार में जब लाल लिटमस डाला जाता है तो वो नीला हो जाता है। अब देखो, ये देखो सेक लाइकेन का चित्र है, और इसमें ये लाल लिटमस पत्र और ये नीला लिटमस पत्र। अब देखो, क्रियाकलाप एक, प्लास्टिक के किसी प्याले, कटोरे या परख नली में नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ी पानी मिलाइए और ड्रॉपर की सहायता से उपयुक्त विलयन की एक बूंद को लिटमस पत्र पर डालिए। क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है? इसी परीक्षण को नीले लिटमस पत्र के साथ दोहराइए। नोट कीजिए कि क्या रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है। इस क्रियाकलाप को निम्नलिखित पदार्थों के साथ दोहराइए। नल के का पानी, अपमार्जक, डिटर्जेंट का घोल, वर्तित पेय पदार्थ, साबुन का विलयन, शैम्पू, सामान्य नमक का विलयन, शक्कर का विलयन, सिरका, बेकिंग सोडा का विलयन, दूध या मैग्नीशियम धावन सोडा का विलयन, तथा चूने के पानी, यदि संभव हो तो विलयन आश्रु जल में मनाएं। अब देखो, चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की कुछ मात्रा पानी में घोलिए। विलयन को भली भांति मिलाकर कुछ देर रखा
रहने दीजिए। अब बोतल के ऊपरी भाग से कुछ द्रव को किसी बर्तन में निथार लीजिए। यह द्रव ही चूने का पानी है। अब देखो, क्या आप सूची में कुछ ऐसे विलयन हैं जिनका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता? इन पदार्थों का नाम लिखिए। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं उसे उदासीन विलयन कहते हैं। तो देखो, ऐसे विलयन जो लाल और नीले लिटमस पत्र के रंग में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं उसे उदासीन विलयन कहते हैं। और ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं। अब देखो, हल्दी एक अन्य प्राकृतिक सूचक। देखो, क्रियाकलाप में 2 में 1 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए। इसमें थोड़ा जल मिलाकर इसका पेस्ट बनाइए। स्याही सोख बाल्टिंग पेपर या फिल्टर पत्र पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाइए और इसे सुखा लीजिए। हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टियाँ काट लीजिए। हल्दी पत्र की पट्टी पर 1 बूंद साबुन का विलयन डालिए। आप क्या देखते हैं? इसी प्रकार सारणी 4.3 में दिए गए विलयनों का परीक्षण कीजिए और अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.3 में नोट कीजिए। आप अन्य पदार्थ के विलयन में भी परीक्षण कर सकते हैं। तो देखो, इसमें जो हल्दी के रंग किसमें प्रभावित होगा? देखो, नींबू के रस, संतरे, सिरके में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि दूधिया, मैग्नीशियम, खाने का सोडा, चूने का पानी और शक्कर नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और नमक में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये देखो, हल्दी का पेस्ट है। ये जो बाल्टिंग पेपर या जो फिल्टर पेपर के ऊपर हल्दी के द्वारा जो चित्र बनाए गए, तो उसके ऊपर जैसे साबुन के विलयन का पेस्ट लगाते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। तो देखो, अगला एक सूचक और है, गुड़हल के पुष्प। क्रियाकलाप 3, गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ एकत्र कीजिए और उन्हें किसी बीकर में रख दीजिए। इसमें थोड़ा गर्म जल मिलाइए। मिश्रण को कुछ समय तक रखिए जब तक कि जल रंगीन ना हो जाए। रंगीन जल को सूचक के रूप उपयोग में ली उपयोग कीजिए। इस सूचक की 5-5 बूंदें सारणी 4.4 में दिए गए प्रत्येक विलयन में मिलाइए। अब देखो, शैम्पू तनु विलयन, नींबू का रस, सोडे का विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट का विलयन, सिरका है, शक्कर है और नमक का विलयन। अब देखो, इस सूचक का अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयन पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी, मर्चेंटा। देखो, सूचक है जो गुड़हल पुष्प का, वो अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी, मर्चेंटा, और जबकि क्षारीय विलयन को हरा कर देता है। ठीक है, अब देखो, ये तो सूचक है गुड़हल के पुष्प का। जब विलयन बनाया, जब इसमें अम्ल मिलाया जाता है तो ये लाल रंग का हो जाता है, जबकि इसमें क्षार मिलाया जाता है तो हल्के हरे रंग का हो जाता है। तो अब देखो, इसमें आप इन प्राकृतिक सूचक को बनाकर उनसे अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयन में रंग परिवर्तन देखने का प्रयास कर सकते हैं। पहली आपके लिए निम्नलिखित समस्या लेकर आइए। क्रियाकलाप 4.4, शिक्षक शिक्षिका से अपेक्षित है कि वे अपने विद्यालय की प्रयोगशाला तथा आसपास के किसी विद्यालय से निम्नलिखित रसायनों के तनु विलयन लें, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी। इनमें से प्रत्येक विलयन पर 3 सूचकों के प्रभाव को प्रदर्शित कीजिए। अपने विलयन को प्रेक्षण सारणी में लिखना है। तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वो क्या लिटमस पत्र है जो नीले को लाल में कर देगा, हल्दी के रंग पर कोई प्रभाव नहीं, और गुड़हल में कैसा हो जाएगा? हरे गहरे लाल रंग का। अब देखो, उदासीनीकरण क्या होता है? हमने पढ़ाया कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। आइए अब ये देखें कि जब किसी अम्ल को किसी क्षार में मिलाया जाता है तो क्या होता है। तो हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया, जिसे हम फिनालेथेलिन कहते हैं। फिनालेथेलिन की जे उदासीनकरण का एक उदाहरण है। जैसे कि क्रियाकलाप 5 में देखो, किसी परख नली के 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक HCl से भर लीजिए और इसका रंग नोट कीजिए। फिनालेथेलिन विलयन के रंग को भी नोट कीजिए। सूचक के लिए 2-3 बूंद अम्ल में मिलाइए। तो ये देखो, अम्ल और क्षार को मिलाने से, जैसे क्षार को डाला जाता है तो सूचक में अम्ल और पहले से ही सूचक और अम्ल मिलाया गया है, उसमें जैसे क्षार मिलाया जाता है तो इस क्रिया को क्या कहता है? उदासीनीकरण प्रक्रम कहलाती है। तो इसमें देखो, परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या आपके अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद डालिए। परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना तब तक जारी रखिए जब तक कि हल्का गुलाबी रंग ना आ जाए। अब इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक HCl अम्ल की 1 बूंद और मिलाइए। आप क्या देखते हैं? क्या विलयन पुनः रंगीन हो जाता है? फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद मिलाइए। क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन पुनः गुलाबी हो जाता है। यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारीय होता है तो फिनालेथिलीन गुलाबी रंग देता है, और इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगीन हो जाता है। तो देखो, जब विलयन क्षारीय होगा तो क्या होगा? फिनालेथिलीन कैसा हो जाएगा? गुलाबी रंग का। और इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय है तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं, जबकि जब किसी अम्ल और क्षार के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति न अम्लीय रहती है और न ही क्षारी रहती है। दूसरे शब्दों में, अम्ल और क्षार को दोनों की प्रकृति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार बना विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय। उदासीनीकरण के तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करके आपने क्या अनुभव किया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है, अर्थात निमुक्त होती है। निमुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। अब देखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। देखो, उदासीन अम्ल और क्षार जब इससे क्रिया होती है तो ऐसे अभिक्रिया क्या कहलाती है? लवण कहलाती है। और लवण अम्लीय और क्षारीय और उदासीन प्रकृति का हो सकता है। अंतः उदासीनीकरण को निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। जैसे किसी अम्ल किसी क्षार के बीच में
अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम को ऊष्मा के नियमक होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होता है। और देखो उदासीनीकरण की अभिक्रिया के साथ क्या क्या बनता है, तो ऊष्मा निकलती है ईट, उसके साथ साथ क्या लवण और जल भी बनता है। क्या आपने अम्ल वर्षा से परिचित हैं? क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिग्रस्त प्रभावों के बारे में सुना है? जैसा कि नाम से पता चलता है कि जब वर्षा अम्ल जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वो अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा जल में ये अम्ल कहाँ से आते हैं? तो वर्षा जल में अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें CO2, SO2 और NO2 गैसें जैसी गैसें क्या जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती है। वर्षा जल में खुलकर कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। और अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति या नुकसान पहुंचाती है। अब देखो अम्ल और क्षार की क्रिया से क्या बनता है? लवण और जल और ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे हम उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जिसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से कराई, तो क्या प्राप्त हुआ? सोडियम क्लोराइड NaCl और प्लस जल H2O और ऊष्मा। अब देखो बूझो ने सूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया, अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाएगा अथवा ठंडा। दैनिक जीवन में उदासीनकरण के कुछ उदाहरण जैसे अपाचन। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है और अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसे कोई अपत्ति अम्ल लेते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। अब देखो चींटी का डंक। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डालती है और डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने वाला सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या केलेमाइन का विलयन मलकर उदासीन किया जा सकता है, जिसे जिंक कार्बोनेट होता है। अब देखो मृदा का उपचार कैसे होता है। देखो रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को क्या है? अम्लीय बना देता है। और यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारीय हो तो पादपों या पौधों की वृद्धि अधिक नहीं होती। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम कार्बोनेट अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारीय हो तो उसमें जैव पदार्थ मिलाया जाता है जैसे कंपोस्ट खाद, जो मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं और जो उसकी क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। अब देखो कारखानों का अपशिष्ट। अनेक कारखानों के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थ को सीधे ही जलाशयों व नदियों में बहने दिया विसर्जित किया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। अंततः कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्या क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। अब देखो इस पाठ से हमने क्या सीखा है? तो देखो अम्ल क्या है? स्वाद में खट्टे होते हैं, सामान्यतः क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं तथा उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है। अब देखो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। वे पदार्थ जो न तो अम्लीय होते हैं और न क्षारीय वो उदासीन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ के विलयन जो अम्लीय क्षारीय और उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं सूचक कहलाते हैं। अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। लवण अम्लीय क्षारीय तथा उदासीन प्रकृति के होते हैं। इसी के साथ हमारा अध्याय नंबर 4 अम्ल क्षार और लवण समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।